फिल्म पठान में बेशरम रंग एक गाना था और बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण एक क्या बोलते हैं भगवान भगवा कलर की एक अपना चड्डी कछिया और बनियान पहनी थी भगवा कलर की। तो कई सारे बीजेपी नेता बीजेपी के समर्थक को चुभा था, बहुत ढोल नगाड़ा पीटा था। जो देवी देवता को अपमान करता है तो ऐसे तो वैसे है ना, मतलब कि हम लोगों को उस दिन भी तकलीफ़ हुआ और आज भी तकलीफ़ हुआ। आज भी फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह से भगवान को हनुमान जी को राम जी को अपमान किया गया, सीता जी को जिस तरह से भगवा कलर के जो सीता जी के किरदार निभाई है जिस तरह से उनका ड्रेस पहनाया गया है वो कहीं ना कहीं मतलब मजाक ही बनाया गया है। जिस तरह से हनुमान जी को गाली दिलाया जा रहा है, राम जी को मार खिलाया जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं भगवान को ही मतलब कि मजाक बनवा रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने देश के 75% लोग और यहाँ तक कि नेपाल में इसीलिए हिंदी सिनेमा को ही हिंदी बॉलीवुड वाले को ही बैन लगा दिया। जाओ अब साले तुम लोग टन 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 करते रहो, कहला कि तुम लोग सुधरोगे ही नहीं तो कहला हम ऐसा काम करें कि तुम लोगों को बार बार समझा के तो तुम लोग समझेगा ही नहीं तो कहला नेपाल वाला तुम लोगों का फिल्म बार बार ऐसे से करो। लेकिन वही आज बीजेपी के नेता रवि किशन जो पहले कभी रवि की कांग्रेस के गुण गाता था, जे कहता था कि कांग्रेस से तो हमारे नन्हे के नानी के तो दादे के फैमिली से जुड़ल है, तो आई बीजेपी ओकरा लेल भगवान भइल बा, तो ये सब हुआ पैसा के खेल बा। पैसा जे जिसके पास पैसा होता है ना, मतलब कि राजनीति का ऐसा चीज़ हब जे घुस जाई जे पार्टी में घुस जाई ओकरे गुण गाई। लेकिन हाँ दिनेश लाल भी घुसल बा, लेकिन वो आवाज़ उठैले रहे कि न अही रेजिमेंट हो के चाहे। तो खैर अही तरह मतलब नेता में कोई रहे कोई जाति में रहे इसे कोई मतलब नहीं के। लेकिन जब बात आवे भगवान के तो भगवान के लिए सबके एक साथ आवाज़ उठावे के चाहिए। सब हिंदू धर्म के हिंदू जो भी लोग बा, सब जो भी हिंदू देवी देवता के पूजा करेला उन सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब वो सब नहीं होता है। अब भैया जो बीजेपी के सपोर्टर है जो बीजेपी के नेता कहेगा तो वे होगा, और जे बीजेपी के मतलब कि एंटी पार्टी बीजेपी के जो कटाक्ष करे वाला है तो जो मतलब कि वह कहेगा न तो उसे करेगा हो, मतलब उसे करेगा न तो इसे कहेगा हो। तो अही लेल अब अपना हिंदू देवी देवता के भी अपमान हो रहा है। तो अही लेल कहते हैं कि भैया नेता किसी का नहीं है, लेकिन आप लोग एक होइए और जब कोई देवी देवता के अपमान करता है तो उन सभी नेता को मारिए जो कहता है जी कि जाइए ना फिल्म देखे, सभी को मारिए जूता फेंक देखे, कहिए कि हम जाए वही भगवान के जो अपमान किया वही जाए फिल्म देखे, सबको मारिए जूता। और रवि किशन कैसे कहता है कि हम फिल्म सब संतानी के जाए के चाहिए देखे के, सब संतानी के जाए के चाहिए देखे के, का कही हम क्या कही सांसद वाड़े। लेकिन सब पैसा के कुर्सी के लेल देवी देवता के भी लालच है भैया ऐसा ऐसा सांसद सब पर है। खैर आप लोगों के क्या कहे कि बा, आप लोग क्या कहे कि बा कि सभी लोग के एक हो के आ हिंदू देवी देवता के जो आह्वान करे था ओकरा खातिर आवाज़ उठावे के चाहिए कि ना, कि ये करब कि जो बीजेपी के पार्टी रही तो ओकर पार्टी उन्नी के उन्नी करते रह ऐसी भगवान की मजाक उड़ चल जाए। खैर आप लोग क्या कहे कि बा आप लोग कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।